Hey, we ready? Yeah. तो गाइस अभी आप जो फोटो चेंज वाला वीडियो देख रहे हो उस तरह का वीडियो आप देख सकते हो कितना ज्यादा वायरल हो रहा। तो फ्रेंड्स मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिसका वीडियो वायरल होना चाहिए उसका क्यों नहीं होता। तो फ्रेंड्स फिर भी क्या करें, जो है सो है। तो सही कि आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको VN ऐप को ओपन कर लेना है, प्लस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा, आपको डाउनलोड कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम है ये म्यूट कर देते हैं और उसके बाद ये जो वॉटरमार्क है इसको भी डिलीट कर देते हैं और प्लस पर क्लिक करेंगे, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर फिर फोटो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स 14 फोटो की जरूरत रहेगी। तो यहाँ से आपको 14 फोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे पास 14 फोटो नहीं थे, तो जितने थे मतलब मेरे पास पहले 10 फोटो थे, ठीक है। तो 10 ऐड कर लिए, उसको 4 और ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरह से 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है तो आगे बताता हूँ। तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आना है, आगे आने के बाद टेप टू एड म्यूजिक पर क्लिक कर देना है और फिर म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग का लिंक दे रखा है, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है और राइट कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जितनी मैं फोटो की डायरेक्शन बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको उतना रख लेना है, आपका वीडियो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले आपको कुछ नहीं करना, ये जो प्लस दिख रहे हैं इन प्लस पर क्लिक करके ब्लैक वाला सभी में लगा देना है, ठीक है, ब्लैक वाला इफेक्ट। तो सभी में ये लगा देते हैं, सभी में नहीं लगाना, पीछे के आपको कितने फोटो छोड़ना है फ्रेंड्स, 5 फोटो छोड़ देना। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये हमने छोड़ दिया, मतलब इसमें तो लगाएंगे 5 वाले में। तो यहाँ से देखिए ब्लैक चल्लू कर देते लगाना सभी में, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है आपको मतलब जितने फोटो की डायरेक्शन है उतनी रखना है, ठीक है, और यहाँ से राइट कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए आपको आगे क्या करना है, तो फ्रेंड्स आगे आपको कुछ नहीं करना है, जितनी मैं फोटो की डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको उतना रख लेना है। तो फर्स्ट फोटो की डायरेक्शन रखना है 32S, ठीक है, सेकेंड की रखना है 60, ठीक है, 60S। तो उसके बाद जो थर्ड फोटो उसको आपको रखना है 50S, उसके बाद जो फोर्थ फोटो उसको आपको 20 रख लेना है, उसके बाद आपका जो पाँचवा फोटो उसको आपको 25S, ठीक है, छठा फोटो उसको आपको फिर से 50 रख लेना है, तो ये 50 ही था पहले भी। आपका जो सातवां फोटो है उसको आपको 15 रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर 15 रख लेते हैं। फ्रेंड्स आपका जो आठवां फोटो उसको आपको 30 रख लेना है, नौवां फोटो उसको फिर से 13 रख लेना है, दसवें फोटो को आपको यहाँ पर 77 रख लेना है, ठीक है, 77S। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो मैंने सब कुछ वहाँ पर टाइप कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11वां फोटो उसको आपको 71 रख लेना है, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर 71 रख लेते हैं। आपका जो 12वां फोटो उसको आपको 72 रख लेना है, जो 13वां फोटो उसको फिर से 72 रख लेना है, तो ये रख लिया। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला फोटो उसको आपको कितना रखना है, तो उसको आपको रख लेना है 15S, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो एक फोटो एक्स्ट्रा आ गया था, तो इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, तो फ्रेंड्स आगे कुछ नहीं करना है, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ आपको वैसा कर लेना है। तो आगे कुछ नहीं करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको इफेक्ट लगा लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो पहले तो आपको यहाँ पर देखिए मैं जूम वाला लगाऊंगा, ठीक है, ये देखिए जूम आउट वाला, तो यहाँ से राइट कर देते, इसमें फिर से जूम आउट वाला लगा देंगे, ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी रख लेते हैं जूम आउट वाला, तो फ्रेंड्स इसमें भी यहाँ पर इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है, 20 और 25 वाले में नहीं रखेंगे। उसके बाद इसमें फिर से रख लेते जूम आउट वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जो इफेक्ट पसंद है आप रख सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ आप ये रखो वो रखो, जो आपको अच्छे लग रहा है आप रख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से यही रख लेते हैं, मुझे उसके जैसा बताना तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 77 वाला इसमें आपको फ्रेंड्स अब दूसरे इफेक्ट लगाना है, जैसे कि फ्लैश वाला, जेटल वाला, ठीक है, यहाँ पर जेटल लेफ्ट वाला, जो यहाँ पर सेक इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सेक इफेक्ट लगा देंगे शुरू से, ठीक है, इस यहाँ पर देख सकते हो मैंने लगा दिया। उसके बाद आपको जो यहाँ से पसंद है आप लगा सकते हो, तो फ्लैश वाला लगा देते इसमें, और इसमें कौन सा लगा देते, ये जेटल लेफ्ट वाला लगा दिया, इसमें कौन सा लगा देंगे, तो यहाँ पर ये जेटर डाउन वाला लगा दिया और राइट कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ से जो मतलब ये जो 20 सेकंड और जो 25 सेकंड वाला, इसमें आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर ब्लैक वाला लगा देना, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा आपका वीडियो। तो यहाँ पर ब्लैक वाला लगा दिया और इसमें भी ब्लैक वाला लगा देते हैं, ठीक है, जो जिसकी जिसमें कम लेंथ है, तो इसमें भी ब्लैक वाला लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से राइट कर देते हैं। और ये और इफेक्ट सही सेट लगाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर। यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके, तो यही था आज की वीडियो में, मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।